तूफानी समंदर भी जिसके आगे खामोश हो जाए। हर सरताज जिसके आगे एक सर झुकाए। धरती की जाती का लाल कब होगा ट्रेलर रिलीज, क्या है मूवी कास्ट, कौन कर रहा है डायरेक्शन, क्या है फिल्म की रिलीज डेट। नमस्ते सलाम, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं पलक गुप्ता आज आपसे एक फिल्म RRR से जुड़े कुछ नए अपडेट्स के बारे में बात करने वाली हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। RRR एक तेलुगु मूवी होगी जो हिंदी और बाकी दूसरी लैंग्वेजेस में भी डब्ड होगी। इस फिल्म का रिलीज 8 जनवरी 2021 को कहा जा रहा है और इस फिल्म का डायरेक्शन SS राज मौली करेंगे। फिल्म का अनाउंसमेंट भी उन्होंने सोशल मीडिया पे किया और फिल्म का प्रोडक्शन DVVV एंटरटेनमेंट के अंडर होगा जिसके प्रोड्यूसर DVVV धनानया है। और कास्ट की बात की जाए तो इस फिल्म में अहम भूमिका NT रामा राव जूनियर निभाते हुए नजर आएंगे। वो कोमाराम भीम की भूमिका निभाएंगे और रामचरण अल्लूर सीताराम राजू का किरदार निभाएंगे। इस फिल्म में आलिया भट्ट भी नजर आएंगी जो कि सीता का किरदार निभाएंगी और अजय देवगन भी इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस करते हुए नजर आएंगे। आलिया भट्ट की आखिरी फिल्म सड़क 2 जो कि सड़क का सीक्वल था, हालांकि उस मूवी को ज्यादा प्यार नहीं मिला और बहुत क्रिटिसाइज किया गया। आलिया भट्ट की तेलुगु इंडस्ट्री में ये पहली फिल्म होगी और आलिया भट्ट को गली बॉय और राजी में काफी अप्रिसिएशन मिली थी। SS राजमौली की ये दूसरी हिंदी डब्ड मूवी होगी और राजमौली को बाहुबली से बहुत प्यार मिला जो कि इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी भी बनी रही है। अब दोबारा राजमौली किसी धमाके के साथ आएंगे और उम्मीद करते हैं लोगों के दिल दोबारा जीतेंगे। फिल्म का टीजर कुछ एक महीने पहले रिलीज हुआ जिसको काफी अप्रिसिएशन मिली और जूनियर NTR के लुक्स भी लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। मूवी की शूटिंग कुछ समय पहले स्टार्ट हो गई थी और जूनियर NTR मूवी की काफी शूटिंग्स पूरी कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले आलिया भट्ट ने एक फोटो अपलोड करी जिसमें वो राजमौली के साथ खड़ी हैं और वो आलिया को कुछ समझाते हुए नजर आ रहे हैं। आलिया ने कैप्शन डालते हुए लिखा, नया दिन नई शुरुआत। आलिया ने अपनी शूटिंग अब शुरू की है और वो काफी एक्साइटेड है। बात करें मूवी की तो ये मूवी एक फिक्शनल स्टोरी है जो कि इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में है। अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम जो ब्रिटिशर्स और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ लड़े थे, वही मूवी का बजट 300 करोड़ तक का है। राजमौली अभी लोकेशन की सिलेक्शन भी कर रहे हैं और 70% शूटिंग अलग अलग जगह पे ही की जाएगी जैसे कि हैदराबाद, वडोदरा, बल्गेरिया। बाकी की शूटिंग बस आलिया भट्ट, अजय देवगन और बाकी के कुछ एक्टर्स करेंगे। इससे पहले भी काफी ऐसी मूवीज रिलीज हुई थी जो फ्रीडम फाइटर्स पे बेस्ड थी जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मगर ये सारी मूवीज सच्ची घटना पर बेस्ड थी। राजमौली का इस मूवी को फिक्शनल कॉन्सेप्ट में लाना जो नॉन फिक्शनल पे बेस्ड हो वो दर्शकों के लिए बहुत ही रोमांचक होगा। अब देखते हैं क्या राजमौली अपने दर्शकों का प्यार बरकरार रख पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।